हम मात्र टॉप 3 ही स्टूडेंट लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि केवल 3 ही ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। टीम के अलावा मेरे पास ये रिजल्ट है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मात्र 1-2 नंबर से ये टॉप 3 में नहीं आए। तो इनका अनाउंसमेंट 3 कैटेगरी में किया जाएगा, टॉपर लिस्ट, बहुत अच्छा नंबर, और एक है पाप का घड़ा। ध्यान देना है, पाप का घड़ा फिलहाल भरने मत दीजिएगा, अभी आप लोग के पास मौका है, यानी ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहला नाम यहाँ आता है गुड़िया कुमारी, 3 नंबर, आइए और एप्रिसिएट कीजिएगा, क्लैपिंग होना चाहिए, आइए गुड़िया 3 नंबर, लेकिन ध्यान देना है निगेटिव पर। अगला नाम है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अरशद विथ 2.25 मार्क्स, ध्यान देना है, कोई बात नहीं। अगला नंबर है सरिता मरांडी, 3.5 नंबर, निगेटिव पर ध्यान देना है, कोई बात नहीं। अनएक्सपेक्टेड मतलब बहुत भयानक अनएक्सपेक्टेड, काजल विथ 6.75 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर आता है तनु विथ 6.75 मार्क्स, बहुत क्लोज रहे हैं, वेरी गुड, ध्यान देना निगेटिव पर। पुष्पा 10.75 मार्क्स, डबल डिजिट का पहला नंबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला नंबर आता है नरेश कुमार विथ 11.25, बहुत अच्छा, क्लैपिंग होना चाहिए। अगला नंबर यानी कि अगला नाम आता है और ये बहुत क्लोज फाइट रहे हैं, गौरव कुमार, 11.5 नंबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है शंभू कुमार विथ 8.5 मार्क्स, आइएगा, बहुत अच्छा शंभू, निगेटिव पर ध्यान देना है। यहाँ पर आते हैं राज किशोर विथ 9.75 मार्क्स, बहुत अच्छा राज किशोर, निगेटिव पर ध्यान दीजिएगा। और अगला दो रिजल्ट, देखो कहने का मतलब यहाँ हमें रिजल्ट पर ध्यान देना है, आपका अपना एम पर ध्यान देना है, बाकी के इधर उधर के बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगला नाम है लकी विद 11.75 मार्क्स, आइएगा, 11.75 मार्क्स, बहुत अच्छा। एंड लास्ट ये नंबर आता है कुणाल नंदन, बहुत अच्छा, 13 मार्क्स, बहुत अच्छा, ये नंबर थे, अच्छा नंबर थे, लास्ट का कुछ नंबर अच्छे थे। और यहाँ पर जिनको अनाउंस करेंगे ये काफी, देखो ये टॉप नहीं रहे लेकिन इनका परफॉर्मेंस टॉप से कम भी नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे, पुरुषोत्तम पांडे विथ 40.75, बहुत अच्छा, वेरी गुड पुरुषोत्तम पांडे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला नाम आता है संदीप विथ 15 मार्क्स, बहुत अच्छा, आइए संदीप, वेरी गुड, 15 नंबर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका। अगला नाम है निर्मल चौधरी, 16.5 मार्क्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आइएगा, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका, ये चैप्टर बहुत कुछ छूटा हुआ भी बट अच्छा रहा, देखो 16.5 नंबर। अगला नाम है और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है राजीव बस्की विथ 17.25 मार्क्स, बहुत अच्छा, और ये काफी अच्छा रिजल्ट, क्लोज फाइट भी रहा। पहला नाम है अभिषेक विथ 19.75 मार्क्स, ये सारे रिजल्ट आपके टॉपर्स लेवल के रिजल्ट है। और एक लास्ट जो कि टॉपर लिस्ट में नहीं आए, नंबर बहुत अच्छा, आदित्य मंडल विथ 20.75 मार्क्स, वेरी गुड, वेल डन आदित्य। और जैसा कि नियम कानून के हिसाब से मात्र टॉप 3 रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा टॉपर का, वो लोग आएंगे स्टेज पर, थोड़े देर रुकेंगे क्योंकि उनका फोटोशूट होगा, और ये फोटोशूट सिर्फ इसलिए नहीं, ये अदर स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कि आप ही के क्लास में रहकर वो
अपने पढ़ाई पर ही ध्यान एम रखते हैं और यही चीज को सीखना है आप सभी को। चलिए आज के थर्ड टॉपर आते हैं और इनका नाम है काजल कुमारी। वेल डन काजल, क्लैपिंग होना चाहिए। और देखो ये सब बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी कि कंसिस्टेंट रहे हैं ये लोग, लेकिन बदल दिया गया रिजल्ट को। सेकेंड टॉपर है अजय विथ 23.25 मार्क्स, आइएगा। और आज के आपके बैच के टॉपर, कहने का मतलब ये पेपर आपका PYQ पेपर था, एग्जाम का तीन हार्डेस्ट लेवल एग्जाम लिया गया और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इनका नाम है अंकुर सिंह विथ 27.5 मार्क्स, क्लैपिंग। बहुत अच्छा अंकुर, आइएगा आइए। देखो ये रिजल्ट इन लोगों ने ये जो दिखाया, ये दिखाया कि ये हर सिचुएशन में रेडी रहते हैं, चाहे पेपर कैसा भी हो। ये टफेस्ट लेवल का एग्जाम लिया गया था आप लोगों का, टफेस्ट। ये चीज हम बता दे रहे हैं कि ये जो कंडक्ट करवाया टेस्ट, ये टफेस्ट था। हाँ, हमने स्टार्टिंग में बोला कि नॉर्मल है क्योंकि आपको मोटिवेट करने के, लेकिन उस बीच में भी ये लोग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किए। तो कुछ आपको जो चीजें सीखना होता है, आप इनसे नो डाउट आपके क्लासमेट से सीखोगे। बहुत सारे हमारे बैच में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोशिश करते हैं सीखने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं भीड़ में भटक जाते हैं। भटकना नहीं है, आपको अपना एम पर रखना है, रहना है, कब तक, जब तक जॉब ना लगे। वेल डन टॉपर्स। और आपका एक फोटो शूट होगा, रुक जाओगे और आप सभी का फोटो हर ग्रुप में जाएगा। और थोड़ा सा इधर इधर आकर थोड़ा स्माइली फेस, क्योंकि टॉपर्स आए हो ना, है ना, ऐसा नहीं कि चलो। और वेल डन, अब आप अपने सीट पर जा सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और इसी तरह का टेस्ट जो कि आपका PYQ लेवल पे होगा, यानी कि हर हफ्ता ये चीजें होता रहेगा। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस खत्म। PYQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पर हमेशा होता रहेगा, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा देना ये चीज हमारा एम नहीं रहेगा। आपका सिलेक्शन, यानी कि PYQ क्वेश्चन को देकर आपका सिलेक्शन दिलवाना, ये हमारा एम है। और इसी पर कोशिश करना है कि जो चैप्टर बताया जाएगा उसके लिए फुल प्रिपेयर में आप लोग आओ। एंड थैंक यू आज के लिए, वेरी गुड। मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, अरे मंजिल तो उन्हें मिलती है जो जीत के अड़े होते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग जो है बस एक जिद्दी बन जाना है कि नहीं, हम जिद्दी हैं, हमको जॉब लेना है तो है, चाहे इसके लिए जॉब है ना। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे।